हाय एवरीवन, मैं बास और आप देख रहे हैं बास अम्ब्रो यूट्यूब चैनल। अभी 7:30 बज रहे हैं दुबई टाइम, और आज मैं जा रहा हूँ जद्दाफ वाटर कैनाल। तो वो इट इज़ लाइक अ डिनर पार्टी आप कह लो, कि वो क्रूज़ के ऊपर वो जो डिनर होता है बूफे, तो वो जा रहा हूँ मैं। उसमें 39 दिरहम्स का होता है, उसके अंदर खाना वगैरह और थोड़ा 1.5 घंटे उसके ऊपर ही रहेंगे। तो आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ गुलाम शफीर, गुलाम भाई भी हैं। हेलो। ये अपने साथ रहते हैं रूममेट, तो ये इनके साथ ही जा रहा हूँ आज, अकेले बोर होता। अभी हमें मेट्रो स्टेशन जाना है, अल जद्दाफ मेट्रो स्टेशन, वो नियरेस्ट है वहाँ से। तो अभी हम अल नादा 2 से निकले, ऐसे बस बोर्ड करेंगे, बस में बैठकर हम पहुँचेंगे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से फिर उतरेंगे अल जद्दाफ, फिर आगे का मैं आपको वहीं दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली यार मैं पहुँच चुका हूँ क्रूज के ऊपर, और इसका नाम था अलादीन। तो गुलाम भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जबरदस्त लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मेरे लिए भी आई थिंक ऐसा पहले नहीं किया। अच्छा एक्सपीरियंस है, पहली बार आए हैं। ये देखो इस तरह की बहुत सारी शिप्सियाँ लगी हुई हैं, तो जैसे कि आप सामने से देख सकते हो, अभी यहाँ से चलेगी। सुबह 9 बजने वाला है और अभी इस क्रूज पर हम आ गए। अभी तक आई थिंक बोर्डिंग टाइम था 8:30, लेट हो गए थे, बट अभी थोड़ी देर में चलेगा तो देखते हैं। ये जो क्रूज, इसके 2 डेक हैं, लोअर एंड अपर। तो अभी हम ऊपर थे, वहां से मैंने व्यू दिखाया, और ये नीचे से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है मुझे। ये देखिए आप बिल्डिंग्स। सो गाइस, वो ऊपर का डेक था, और अभी मैं आ गया हूँ नीचे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है खाना चल रहा है सामने है, और यहाँ से कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की, अगर व्यू दिखता है तो। आई थिंक यहाँ से बाहर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डिनर स्टार्ट हो गया, तो आई एम प्लानिंग टू ईट समथिंग, खा लेता हूँ, फिर बाकी आपको आगे का भी दिखाऊंगा। बाकी यार नीचे का जो एरिया है, ये जो है यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, मतलब कि एसी वगैरह है, ऊपर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू है। पहले देख लेते हैं क्या क्या है खाने में। दिस इज बिरयानी, दिस इज आई थिंक ये पुलाव है। ब्रदर व्हाट इज दिस? वेजिटेबल। अच्छा, दिस इज सम, ये कोई सब्जी है, और ये है दाल। व्हाट इज दिस? ये चना मसाला है, मोस्टली मतलब वही इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल फूड। एंड दीज आर कबाब्स। ओके, तो दिस इज एन मेन कोर्स, और एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सैलेड। ये भाई सैलेड है यहाँ पर, और आगे आई थिंक इन्होंने पास्ता रखा है, ये हमस लग रही है, और ये यहाँ की पीटा ब्रेड होती है, तो ये है। चलिए बस खा लेता हूँ फिर मैं। मैंने ये प्लेटर बनाया है अपना, ये कबाब लिए हैं, थोड़ा सा ये राइस थे, चावल थे, और ये कुछ चिकन करी में था ऐसे ही, तो थोड़ा थोड़ा सब निकाल लिया, और ट्राई करते हैं। खाना सच्ची बताऊँ तो एवरेज ही लग रहा है, तो बहुत खास है। लेकिन चलो जैसे भी यार पैसे पे किए तो खाना तो पड़ेगा। नहीं कोई बंदा यार ये डांस सिखाएगा।
ये देखते हैं इसका डांस कैसा होता है। बर्थडे भी है तो लोग वहां चले गए केक काटने के लिए और कुछ इस तरह का लगा रहा है। बट सच्ची बताऊं तो ये जो जगह है ना यार, ये अपनी फैमिली के साथ आने के लिए है या अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आने के लिए है। अभी फिलहाल मैं तो अकेले ही हूँ तो मैंने अपने रूममेट को लिया और आ गए क्योंकि देखा तो था ही, तो हम दोनों ने एक दूसरे को कंपनी देके और ये एक्सपीरियंस लिया। सो गाइस क्रूज राइड जो है कंप्लीट हो गई, 1.5 घंटे की बोली थी उन्होंने लेकिन आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर ही हो गया। 9 बजे तकरीबन स्टार्ट हुई थी और अभी बज रहे हैं 10:45, तो लगभग इन्होंने 1 घंटा 45 मिनट जो है पूरी दी। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, खाना उस जस्ट एवरेज अच्छा नहीं लगा मुझे जिस तरह का मेरा जायका है, लेकिन 35 दिरहम्स में मुझे पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट, तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज गुड हेयर। वो जो उन्होंने तनूरा करके आर्ट फॉर्म प्रेजेंट किया था वो भी अच्छा था। तो ये है कि ओवरऑल यार नए दुबई में इतना ज़्यादा कुछ देख रहा था मैं अफोर्डेबल घूमने का क्या हो सकता है तो मैंने ये चुना। तो अगर आपको आना, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, ये वाला क्रूज डिनर करना चाहते हैं, तो मैं जिनके थ्रू मैंने बुक किया था उनका नंबर डाल दूँगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। ज़रूरी नहीं आप उन्हीं से करें लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और अफोर्डेबल डील मिल जाए आप वो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो।